लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। चिंपू, आज आप नॉटी तो नहीं हो ना? नहीं मम्मी। नया स्टोरी सुनोगे? यस मैम। वेरी गुड। आज चिंपू बहुत उत्साहित है कि एक नया स्टोरी सुने। आप बच्चे भी मिलकर स्टोरी सुनेंगे, है ना? अगर आपको स्टोरी सुनना है तो आपको इस प्रकार करना है, ठीक है? जब मैं पूछूंगी, क्या आप स्टोरी सुनना चाहते हो? वेरी गुड। मिलकर आज की स्टोरी को हम सीखेंगे। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप बच्चों को कितना याद है। चिंपू, क्या हमारा बच्चे पहले जवाब दोगे या आप पहले जवाब देंगे? मैं पहले जवाब दूंगा। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि यीशु मसीह को किसने बपतिस्मा दिया? आपने सिखाया था। मैंने सिखाया था। क्या था? अरे सिर में दर्द हो रहा है सोचकर। बच्चों, आपको याद आ रहा है? वेरी गुड, हमारे बच्चों को याद आ रहा है। चिंपू, आपको याद आया? हाँ। क्या है जवाब? चिंपू से सुने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वेरी गुड चिंपू, वेरी गुड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह ने 40 दिन 40 डेज का उपवास रखा, फास्टिंग रखा। कितने दिन का? 40 दिन। हाँ, 40 दिन। और आपको पता है उस समय पर क्या हुआ? क्या हुआ? शैतान यीशु के पास आया और यीशु की परीक्षा करने लगा। हाँ चिंपू, शैतान ने यीशु मसीह का 3 परीक्षा ली, और आज हम वो 3 परीक्षाओं को सीखेंगे। ओके बच्चों, आपको अच्छे से उन बातों को याद रखना है। कौन सी परीक्षा हुई वो याद रखना है, और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया वो भी याद रखना है। ठीक है चिंपू? ठीक है। ध्यान से सुनोगे ना? हाँ। वेरी गुड। पहला परीक्षा इस प्रकार हुआ, शैतान यीशु मसीह से कहने लगा, यदि तू परमेश्वर है तो ये जो पत्थर पड़े हैं ना, उस पत्थर को रोटी में बदल दो। क्या कहा? पत्थर को रोटी में बदल दो। क्या हो गया चिंपू? कुछ नहीं। आप वहां क्या देख रहे हो? दिखाओ दिखाओ, लग रहा है आपके हाथ, चिंपू के हाथ में कुछ है। दिखाओ 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 दिखाओ। चिंपू, ये मना किया था ना, ये पत्थर लेकर आते हैं घर के अंदर। कोई बात नहीं, इस बार के लिए तो ये हमारे लिए उदाहरण बन गया चिंपू। तो यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान को? क्या कहा यीशु मसीह ने? कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। ओके बच्चों, तो अच्छे से याद रखिए, शैतान ने क्या कहा था? पत्थर को रोटी में बदल दो। तो यीशु ने क्या कहा? मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपके बाहर का जो रोटी सब्जी चावल दाल खाते हो ना, सिर्फ वो पर्याप्त नहीं है, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है, उसे भी आपको खाना है, रोज वचन पढ़ना है। ओके ओके। तो आपको पहला परीक्षा समझ में आ गया? यस मैम। ओके, हम दूसरे परीक्षा में जाते हैं। अब ये परीक्षा में तो शैतान हार गया, अब दूसरा परीक्षा लेकर शैतान आया। दूसरा परीक्षा ये था कि शैतान यीशु मसीह को मंदिर के ऊपर ले जाता है और कहता है कि यहाँ से कूद जाओ। क्या? हाँ, स्वर्गदूत आकर आपको बचा लेगा। इस प्रकार की परीक्षा शैतान ने यीशु मसीह के सामने रखा। क्या था परीक्षा? कि मंदिर के ऊपर से कूद जाओ तो स्वर्गदूत आकर आपको बचा लेंगे। क्या यीशु मसीह कूदा, शैतान की बात को माना? नहीं, यीशु ने शैतान की बात को नहीं माना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा है
कि अपने परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। वेरी गुड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना है। चिंपू, हाँ? आप परमेश्वर की परीक्षा करते हो? नहीं। अब मैं बताती हूँ आपको, मैं मना करती हूँ ना आपको ज्यादा स्वीट्स खाने से, और आप मुझसे क्या कहते हो? आप कहते हो कि मैं कितना भी स्वीट्स खाऊं मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा, कहते हो ना चिंपू? ये गलत बात है, अगली बार से ऐसी बातें नहीं करना। और भी मैं समझाती हूँ, मैंने देखा है कुछ बच्चे बड़े स्पीड से साइकिल चलाते हैं और कहते हैं हम नहीं गिरेंगे, परमेश्वर हमको संभाल लेगा। ये भी गलत है, हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है। जब हम सही से जिएंगे तब परमेश्वर हमें संभालेगा, अगर हम उल्टा सीधा काम करेंगे तब नहीं कहना परमेश्वर हमें संभालेगा। ओके चिंपू, ये तो आपको दूसरा परीक्षा समझ में आ गया चिंपू? यस मैम। गुड। अब हम आते हैं हमारे तीसरे परीक्षा में, और तीसरे परीक्षा में आपको पता है शैतान यीशु मसीह को कहां पर ले जाता है? एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और यीशु मसीह को कहता है, ये देखो ये सारा जगत और जो भी वैभव इसमें है ये सब मेरा है करके शैतान कहता है। फिर शैतान कहता है, यीशु ये सारी बातें मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन मेरे पैरों पर गिरकर मेरी आराधना करो, मेरे दंडवत करो। यीशु मसीह को गुस्सा आता है, यीशु मसीह कहता है, शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है सिर्फ परमेश्वर की आराधना हमें करना है। ओके बच्चों, ओके। तीसरा परीक्षा ये था कि शैतान चाहता था कि यीशु मसीह शैतान के पैर पर गिर जाए, लेकिन यीशु मसीह ने वैसे नहीं किया। ये ओके चिंपू। ओके मम्मी। आपको तीनों परीक्षा समझ में आ गया? हाँ। ओके, आप कुछ पूछना चाहते हो? वैसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो चिंपू? क्या शैतान हमारा भी परीक्षा लेता है? शैतान आपका बीच बीच में परीक्षा लेता है, आप जानना चाहते हो कैसे? हाँ मम्मी। जैसे अब मान लो तीसरा परीक्षा में हमने क्या सीखा था कि शैतान ने कहा कि सारा जगत मैं दे दूंगा, मेरे सामने गिर जाओ। कभी कभी आपके मन में शैतान ऐसी बातों को डालता है, जैसे एग्जाम में थोड़ा कॉपी कर लो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो बच्चों आप क्या करते हो, कॉपी करके पास होते हो या कहते हो दूर हो जाओ, मैं यीशु का संतान हूं, यीशु का बेटा हूं, यीशु की बेटी हूं? कभी कभी शैतान ऐसे भी मन में विचार डालेगा, देखा तुम्हारे फ्रेंड के पास वो नया टॉय है, चुपके से ले लो। तब आप क्या कहोगे उस समय पर? अपने आप से कहोगे, शैतान दूर हो जा, मैं तो यीशु की बेटी हूं, मैं तो यीशु का बेटा हूं, मैं चोरी नहीं करूंगा। यस। कभी कभी आपको डर लगता होगा है ना, कि अकेले में जाने या जब बिजली चली जाती है अंधेरे में बैठने के लिए डर लगता होगा, चिंपू को तो डर लगता है। हाँ, लेकिन उस समय आपको क्या कहना है? शैतान दूर हो जा, मैं तो यीशु का संतान हूं, वचन में लिखा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, यीशु ने कहा यीशु मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, इसलिए मैं नहीं डरूंगी। ओके चिंपू, अब समझ में आ गया आपकी परीक्षा कैसे होता है? हाँ मम्मी। है ना, जब कोई आपको चिढ़ाता है तो आपका मन क्या करता है कि मैं भी वापस चिढ़ाऊं, एक मुक्का मारूं। yeah! है ना, मन करता है ना आपका? हाँ। लेकिन ये विचार कौन डालता है आपके अंदर? शैतान। इसीलिए आपको अपने आप से बोलना है, मैं यीशु का संतान हूँ, मैं लड़ाई झगड़े नहीं करूंगा, मैं लड़ाई झगड़े नहीं करूंगी, और मैं अच्छा बच्चा बनकर यीशु के लिए जीऊंगा।
ओके बच्चों, हमने आज क्या सीखा कि यीशु मसीह का 3 परीक्षा शैतान ने लिया और कौन जीत गया? यीशु मसीह। ये यीशु मसीह जीत गया। ओके बच्चों, अब कौन सा समय है? क्विज टाइम। ये तो चिंपू का फेवरेट टाइम है, क्विज टाइम। ओके, अब मेरा पहला सवाल आपके लिए, यीशु मसीह को किसने बपतिस्मा दिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वेरी गुड चिंपू। अब मेरा दूसरा सवाल, यीशु मसीह ने कितने दिन का उपवास रखा? वेरी गुड बच्चों, आपने करेक्ट जवाब दिया। चिंपू इस बार आप हार गए, हमारे बच्चे जीत गए। कितने दिन लिया? 40 दिन का उपवास रखा। वेरी गुड। तीसरा सवाल है, उपवास के उस समय पर यीशु के पास कौन आया? शैतान। और कितनी परीक्षाएं ली? 3 परीक्षाएं। पहला परीक्षा कौन सा था? हाँ, मुझे पता है। हाँ, जो आपके हाथ में था वही। करेला को लड्डू में बदलो। करेला को लड्डू में बदलो, नहीं चिंपू, सही जवाब दो। पत्थर को रोटी में। जी, पहला परीक्षा ये था कि पत्थर को रोटी बना दो। क्या यीशु ने किया? नहीं किया। लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। वेरी गुड। दूसरा परीक्षा क्या था? शैतान यीशु को कहाँ ले गया? यस करेक्ट, चिंपू को तो याद नहीं आया। शैतान ने यीशु को मंदिर के ऊपर लेकर गया और क्या कहा? कूद जाओ। वेरी गुड। कूदोगे तो क्या होगा? स्वर्गदूत आपको बचाएंगे। यस, कूद जाओ क्योंकि स्वर्गदूत आपको बचाएगा। तब यीशु ने क्या जवाब दिया? परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। परमेश्वर की परीक्षा हमें नहीं करना है। क्या बात है, चिंपू को सब याद है। और अगला सवाल है, तीसरा परीक्षा कौन सा था? इस बार शैतान यीशु को कहाँ लेकर गया? हिमालय पर्वत। हिमालय नहीं, सिर्फ पर्वत पर लेकर गया। और यीशु से क्या कहा? नहीं, ये याद नहीं है। याद आया? नहीं। कुछ दिखाया था ना यीशु को? ओके, चिंपू को याद नहीं है। शैतान ने यीशु को पूरा जगत दिखाया, वैभव दिखाया और क्या कहा चिंपू? कि ये सब मैं आपको दे दूंगा। हाँ, मेरे सामने गिर लो और आराधना करो मेरा, तब ये सारी बातें मैं तुम्हें दे दूंगा। तब यीशु ने क्या कहा? दूर हो जाओ मुझसे शैतान। वेरी गुड टिंपू, यीशु ने कहा दूर हो जाओ शैतान, क्योंकि वचन में लिखा है सिर्फ यहोवा परमेश्वर की आराधना हमें करना है। और शैतान वहां से चला गया। इस परीक्षा में कौन जीता? यीशु मसीह। ओके, और आपके जीवन में आने वाले हर परीक्षा में आप जीतोगे या हारोगे? जीतूंगा। वंडरफुल। आप बच्चे भी अगर अच्छे बच्चे बनकर रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मम्मी पापा की बात मानते हैं, पढ़ाई करते हैं, कार्टून ज्यादा नहीं देखते, इस प्रकार अच्छे से आप रहोगे, तब कौन जीत रहा है मालूम है? आप जीत रहे हो और शैतान हार जाता है। ओके बच्चों, ओके, अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और लाइट चली गई। मैं यीशु का बेटा हूँ, यीशु मेरे साथ है। वेरी गुड चिंपू, इस बार तो आप अंधेरे में नहीं डरे। ये बाय बच्चों, बाय।